दिन मैं हूं आपकी मेज़बान मरिया खान और आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स डेस्क। इस वक्त F9 पार्क में खड़ी हूं जहां पे इस्लामाबाद टूरिज्म फेस्टिवल के नाम से एक फेस्टिवल हो रहा है, फैमिली फेस्टिवल है। आप देख सकते हैं बहुत से स्टॉल्स हैं खाने पीने के भी और बहुत से डिफरेंट चीज़ों के, वो भी हम लोग आपको ज़रूर दिखाएंगे आगे आगे। इस वक्त मैं लोगों से यहाँ पर ये पूछूँगी कि कोविड की सिचुएशन जो एक पूरा साल तकरीबन बंद रहा ये सब कुछ, उसके बाद एकदम से जो यहाँ पे ये फेस्टिवल अनाउंस हुआ उसके बाद अब हो रहा है जो बड़ा अच्छा बेहतर तरीके से भी चल रहा है, तो पूछूंगी कि ऐसे फेस्टिवल्स को वो लोग कितना इनकरेज कर रहे हैं, होने चाहिए हैं नहीं होने चाहिए हैं, या वो कोविड से लड़के घरों में ही बैठे रहेंगे। चलती हूँ और चल के लोगों से पूछती हूँ कि वो लोग इन्जॉय कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं या फिर कोविड से डर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। मुझे बताएं, इस्लामाबाद में काफ़ी अर्से के बाद इस तरह का इवेंट फैमिली फेस्टिवल सामने आया है, तो क्या कहते हैं कि अच्छी बात है नहीं अच्छी बात है, क्योंकि कोविड के केसेस भी थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे? होना चाहिए, बाज़ औक़ात जो है ना लाइफ इंजॉय करनी चाहिए बंदों को, बाज़ औक़ात जो है ना यहाँ पे बहुत हमें भी अच्छा लगता है। हम भी पहली बार आए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं आप? हम साथ से ही आए हैं, तकरीबन कुरी रोड से आए हैं हम। अच्छा, यानी इधर से आए, पहली दफ़ा आए? जी पहली। दोस्तों के साथ? साथ एक फ्रेंड है बस। एक फ्रेंड? जी। आप क्या मतलब कोविड से डरना नहीं चाहिए बल्कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए लेकिन एहतियात करनी? बेसिकली बात ऐसी है कि एहतियात भी ज़रूरी है ना, क्योंकि जैसे फेर है ना उस वजह से अव्वल तो इतना नहीं है, पर फिर भी एहतियात बहुत ज़रूरी है। मुझे बताइएगा, काफ़ी अर्से के बाद तकरीबन साल के बाद ही इस तरह का कोई इवेंट हो रहा है, कोविड के डर से सारे घरों में थे, तो क्या कह रहे हैं, सपोर्ट करते हैं इस तरह के इवेंट्स को, इनक्रेज करते हैं? जी, इस तरीके के इवेंट्स होने चाहिए, स्पेशली आफ्टर व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर, कोरोना हुआ उसके बाद जो है सारे मतलब लोग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस भी थे और लोगों को इस तरीके का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना चाहिए, तो आई एब्सोल्युटली सपोर्ट दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम। और क्या मतलब जाहिर है कोविड भी अभी भी है तो सही ना, जाहिर है तो उसकी वजह से भी आपको थोड़ा ख्याल करना चाहिए, जितनी भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसा ही है जो कि एक बंदा कह सकता है कि नेगेटिव पॉइंट्स भी है ऐसे इवेंट्स का इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे अभी काफ़ी सारे आप लोग देखें वो नहीं प्रॉपर तरीके से जो है ना उनको फॉलो नहीं कर रहे SOPs को। आप भी नहीं कर रहे? मैंने भी नहीं मास्क लगाया हुआ, आपने भी नहीं लगाया हुआ, मैं भी नहीं कर रही। बट द थिंग इज़ के इस तरीके की चीज़ें अगर होती हैं इस टाइम पे तो लोग आएंगे, क्योंकि वो काफ़ी अर्से से वो अपने घरों में बंद थे तो उसी वजह से उनको यहाँ पे आना था। कैसे हो बेटे? मैं ठीक हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 5th क्लास में। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि कोविड के बाद इतने अरसे के बाद, इतने लॉन्ग टाइम पूरे टाइम के बाद, 3 महीने के बाद एक अच्छा सा इवेंट आया फैमिली फेस्टिवल, कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे? बहुत मज़ा आ रहा है, पूरे पता नहीं कितने साल यही घर में ही रही हूँ, बाहर निकली हूँ, मज़ा आ रहा है। किसके साथ आई हुई हो? मामा के साथ आई हुई हूँ। फेस पेंटिंग भी करवाई है। अच्छा, और कुछ कहना चाहोगी कि ऐसे फेस्टिवल होने चाहिए हैं या नहीं होने चाहिए? कोविड से डर लगता है? बहुत ज़्यादा। कोरोना से डर भी लगता है? तो मास्क तो फिर भी नहीं पहना हुआ आप? मेरी मास्क की वो चीज़ टूट गई थी। इसलिए नहीं पहना? जी। अच्छा, लेकिन ऐसे फेस्टिवल्स फिर भी होने चाहिए? जी। इंजॉय कर रही हो? बहुत ज़्यादा। और कुछ कहना चाहोगी? जी थैंक यू इमरान खान। कैसी हैं आप? ठीक। अच्छा, मुझे बताओ कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 3 नर्सरी में पढ़ती हो। अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। इंजॉय कर रही हो? क्या खाया अभी तक? अभी तो आइसक्रीम। आइसक्रीम खाई है? बस आइसक्रीम खाई है। और फेस पे पेंटिंग भी करवाई है? यस। किसने की है फेस पे पेंटिंग? क्या बनवाया है फेस पे? रेनबो। रेनबो, वेरी गुड। अच्छा आपने, और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, मामा के साथ आई हुई हो? बहुत मज़ा आ रहा है। और बहुत इत्तेहार शेयर होकर आई है? ऑब्वियसली जी, लाइक इतने टाइम बाद घर से बाहर निकलने का, आउटिंग का मौका मिला तो तैयार होना तो बन। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा मुझे बताएं, मेरा सवाल भी कुछ ऐसा ही है कि ये जो बड़े अरसे के बाद, जाहिर है 1 ईयर के बाद ऑलमोस्ट हम लोगों को इस तरह का इवेंट यहाँ पे फैमिली फेस्टिवल आया है, तो क्या इनकरेज कर रही है इस चीज़ को, सपोर्ट करेंगी कि और भी होने चाहिए? ऑब्वियसली मैं तो खुद यंगस्टर हूँ, घर में आजकल कहाँ बैठा जाता है आपसे, और घर में रहो तो मम्मी के ताने ये कर लो वो कर लो ये कर लो, तो इससे बेहतर है कि आप बाहर जाओ, इस तरह के इवेंट्स को अटेंड करो, आपकी एनर्जी एक पॉजिटिव वे में सर्व होती रहती है। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह का इन्होंने इन्वायरमेंट बनाया हुआ बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंडली है, फैमिलीज आ रही हैं स्पेशली, ये बेस्ट चीज़ है, क्योंकि फैमिली इवेंट्स हमने देखा कि हमारे यहाँ पे बहुत कम होते हैं, सो फैमिलीज जहाँ पे ईजिली फिर सकें ऐसे इवेंट्स तो बिल्कुल होने चाहिए, होने ज़रूर होने चाहिए। अच्छा आप क्या करती हैं? मैं इसके अलावा स्टूडेंट हूँ, अभी फिलहाल मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, और इसके साथ साथ मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, जिस तरह की टिकटॉक और इंस्टाग्राम सब कुछ। टिकटॉक पे वीडियोस ही बना? क्या नाम है? मेरा माही राजपूत। पहले जी वैसे माही राजपूत। अच्छा मुझे एक और बात बताएं कि कोई टिकटॉक की वीडियो कुछ शूट करके दिखाएं?
टिकटॉक की वीडियो मैं जो हूँ ना अपनी मदर के साथ एक्चुअली बनाती हूँ, तो उसके अंदर के साथ अपनी मदर के साथ, सो डेफिनेटली मैं उन्हें बुलाना चाहूँगी, मामा इधर आए, मैं होती हूँ उसमें बबली डेफिनेटली, और ये होती है बबली की अम्मी, सो बबली और बबली की, हाँ तो आप वही वाला जरा करके बता दें कि बबली तेरी गर्दन पे क्या लगा हुआ है? ए बबली तेरी गर्दन पे ये गंदा सा क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ अम्मी? अच्छा अच्छा तेरा मुंह है। बेसिकली हमारी इसी तरह की फनी सी होती हैं, और इसके अलावा ज्यादातर होता है कि सोशल इश्यूज पे बनाए जाए, सो ये बेसिक होता है कि लोगों तक मैसेज कन्वे होता रहे। मुझे बताएं इस तरह के इवेंट्स काफी अरसे के बाद हुए ना, एक साल हो गया ऑलमोस्ट कोविड की वजह से घरों में बनते, इनकरेज कर रहे हैं चीजों को, सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल डेफिनेटली, यहाँ पे जो रिस्पॉन्स लोगों का आया है आफ्टर कोविड, मतलब इट्स अ रिवाइवल ऑफ द फेस्टिविटीज राइट, और यहाँ पे ये मतलब इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसके पीछे काफ़ी एफर्ट हुई है, एंड यू नो आई एक्चुअली अप्रिशिएट माई टीम एंड एवरीवन जिन्होंने इनको मतलब इस इवेंट को यहाँ तक पहुँचाया है, एंड द ऑर्गेनाइजर भी, या आई एम वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स, और जितने भी लोग आए हुए हैं आई थिंक यू नो दे डिजर्व मोर ऑफ दिस, ठीक है, जितने भी और इवेंट्स आएंगे यू नो आई विश देम वेरी गुड लक, एंड यू नो दैट्स ऑल। आपको अब जाहिर सी बात है कि आप लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो आप दोबारा भी जरूर करें। बिल्कुल डेफिनेटली इस तरह के इवेंट्स काफी अरसे के बाद दोबारा हो रहे हैं ना, कोविड की वजह से सब कुछ बंद था, सब घरों में बंद थे, इनकरेज कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों को, सपोर्ट कर रहे हैं, आ रहे हैं लोग, आप देख रहे हैं लोग तो वैसे वाकई आ रहे हैं, तो होने चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे माशरे में एक जो माशरा वो गलत तरीके पर जा रहा है, तो ये हम सब के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और ये हम चाहते हैं कि हर कुछ अरसे बाद लाजमी होना चाहिए। फैमिली फेस्टिवल? जी जी बिल्कुल, ये फैमिली के लिए बहुत अच्छी बात है, इसलिए हमारे फ्रेश होते हैं, हर बंदा फ्रेश होता है इस चीज़ से, तो आप सपोर्ट कर रहे हैं कि होने चाहिए? जी जी बिल्कुल, तो घरों में बैठ जाएं डर के कोरोना से, तो क्या हो? देखिए ये तो कोई बात ना हुई ना, हमें हर चीज़ का मुकाबला करना चाहिए, चाहे जो भी चीज़ है उसका हमें मुकाबला करना चाहिए, कोरोना का भी मुकाबला करना चाहिए, मुकाबला करने के काबिल छोड़ता नहीं है ना? नहीं सर ये तो देखिए, हाँ ये तो है, पर देखिए हमें उसका कोरोना का हल निकालना चाहिए ना, आप बैठ जाए इंजॉय करें। इस तरह का इवेंट एक साल के बाद, ऑलमोस्ट साल से भी ज्यादा हो गया, इनफैक्ट पहले कोविड की वजह सब घरों में बंद थे, तो क्या कह रहे हैं होने चाहिए इस तरह के इवेंट्स, या फिर अभी भी घरों में बैठे रहे डर के? नहीं नहीं बिल्कुल होने चाहिए, बहुत अच्छा है, इस तरह होने चाहिए, लोग फ्रेश हो गए ताकि एडवर्टाइज हों, बहुत अच्छा है, इसलिए होने चाहिए। सपोर्ट कर रहे हैं आप इस? बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, होने चाहिए। और कुछ बोलें अगर क्या आप क्या एंजॉय करें, क्या खाया पिए? हमने काफ़ी चीज़ें खाई पी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिनों बाद हम आए हैं, इस तरह कोई मौका मिला है। क्या खाया है अभी तक? हमने यहाँ से साग मकई खाया। साग खाया, मज़ेदार था? बहुत मज़ेदार था। मुझे बताइएगा कोविड की सिचुएशन के बाद इस तरह का इवेंट पूरे एक साल के बाद ऑलमोस्ट आया ना, तो इनकरेज करें इस चीज़ को, सपोर्ट करें? इनकरेज करूँगा, बिल्कुल करूँगा, क्योंकि अभी हम ये बात ही कर रहे थे सारे कि कोविड के बाद ये मेरे ख्याल पहला फेस्टिवल है, हाँ तो देखें लोग कैसे भागे भागे आ रहे हैं, और अभी और भी आएंगे, और भी फेस्टिवल होने हैं, तो लोगों ने धुड़कियाँ लगानी हैं घरों से बाहर, तो वो घरों में तंग आ गए, हाँ मौका ढूंढ रहे हैं लोग। तो आप कब के आए हुए हैं, सुबह के? हम अभी साउंड चेक किया था, हम अभी परफॉर्मेंस के लिए आए हैं, हमारा बैंड है, तो हम लोग म्यूजिक बैंड है, हाँ कुछ गा के हमारे वोकलिस्ट है ही नहीं यहाँ पर, हम सारे म्यूजिशियंस हैं, तो हमें गाना ही नहीं आता है, बल्कि ये देखिए म्यूजिक चल रहा है, समझ लें यही म्यूजिक है, हाँ बिल्कुल, जगजीत सिंह मेरे जो थे वो उस्ताद, नहीं नहीं मेरे को तो आता है, मैं तो म्यूजिक थोड़ा बहुत बजाता हूँ, मैं वैसे भी इनका मैनेजर हूँ सारों का, मैं गिटार प्ले करता हूँ, हाँ सही बात है, वो मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ, गिटार नहीं बजाता मैं, ये वैसे मजाक कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल आप ये फेस्टिवल का पूछिए तो अच्छी बात है, लें गिटार बजाऊंगी, गाड़ी में पड़ा हुआ जी, बस सामान हमारा है लेकिन गाड़ी में है। किस चीज़ का स्टॉल है आपका? हमारा ये चिकन टिक्के, फिश टिक्का है, और सजी है, सी कबाब है, बीफ सी कबाब है। तो सुबह से लगाया है आपने? हाँ 12 बजे से लगा हुआ है। क्या अभी तक अच्छी खासी सेल होगी? बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छी बात है, तो इस तरह के इवेंट्स काफ़ी अरसे के बाद हो रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं इनको, या क्या? ये बहुत काफ़ी अरसे के बाद हो रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं, फुल सपोर्ट कर रहे हैं, होने चाहिए फैमिली फैमिली पर होना चाहिए जरूर, इस तरह के बहुत होना तो चांदी हो जाती है। नहीं 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 सब का इंजॉय होते हैं ना, ये है ना। कोविड के बाद तकरीबन साल हो गया ना, पूरे साल के बाद ही ये इस तरह का इवेंट सामने आया है, और बहुत लोग भी आ रहे हैं, अच्छे खासे लोग आ रहे हैं, तो क्या इनकरेज कर रहे हैं इस चीज़?
जी बहुत अच्छा लगा। देखिए गवर्नमेंट लेवल पे ऐसे इवेंट होने चाहिए, तो ये बहुत ज़बरदस्त है, गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा इकदाम है, इनिशिएट अच्छा लिया, अच्छा इनिशिएट है। इंशाल्लाह ऐसे आगे भी उम्मीद है होते रहें। कोविड के बाद तो कोविड से डर के घर में ना बैठे, नहीं नहीं किसी को भी बैठने नहीं चाहिए, मास्क लगा के आए सारे, सैनिटाइज मास्क लगाया नहीं, मैं लगाने लगा। आपको आपको नहीं डर लग रहा अगर आपको हो गया? डर नहीं लग रहा, अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। लोगों से पूछा, लोगों से सवाल किया कि उनको ये अच्छा लग रहा है, इनकरेज कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। ज़्यादातर लोगों ने, बल्कि मैक्सिमम लोगों ने यही कहा है कि होने चाहिए इवेंट्स। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग प्रिकॉशनरी मेजर्स को भी फॉलो करें, मास्क वगैरह पहने, इन सब चीज़ों को फॉलो करें, लेकिन इस तरह के इवेंट्स में आना भी, एक फ्रेश हो जाएंगे वो, और जो घरों में डिप्रेशन था उनको एक साल से, जाहिर सी बात नहीं हो रही थी इस तरह के इवेंट्स, तो उससे भी थोड़ा बेहतरी आई है। तो उम्मीद यही करते हैं कि इस तरह के इवेंट्स आगे भी होते रहेंगे, लोगों की भी यही उम्मीदें हैं, और हम भी यही चाहेंगे कि हुकूमत जो है वो इस तरह के इवेंट्स करवाती रहे और लोग इंजॉय करते रहें, लोग आते रहें। इसी के साथ अपनी मेज़बान मलिहा खान को दीजिएगा इजाज़त, और हमें कमेंट्स और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।